अ वाउ टू किल, एन ओथ टू प्रोटेक्ट। हेट एक ऐसा वर्ड है जो कि अगर किसी के जहन में आता है तो समझो विनाश यानी डिस्ट्रक्शन। हेटेड इज अ वर्ड विच इज सो डीप दैट इट कैन लीड टू वॉर एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन इवन। दिस टाइम मलयालम सिनेमा हैज पुट अक्रॉस अनदर मूवी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस विच हैज अ वेरी डीप मीनिंग एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी कुरुथि। मुझे इसका मतलब तो पता नहीं था, देन आई गूगल्ड इट तो पता चला कुरुथि का मतलब द होली स्लॉटर। तो अब मैं बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि मूवी के बिल्कुल स्टार्ट में आती है। व्हेन इब्राहिम यानी रोशन मैथ्यूज अपने गोट की बलि देना चाहता है एंड हिज डॉटर ट्राइज टू प्रोटेक्ट दैट गोट, ऑन विच रोशन मैथ्यूज पुट अक्रॉस अ स्टेटमेंट और अ थॉट दैट गॉड विल पनिश अस इफ यू विल नॉट कीप द प्रोमिस वी मेड टू हिम। बस यहीं पे गोट सीन और मूवी स्टार्ट। इंट्रोडक्टरी सीन में ही पृथ्वीराज सुकुमार का सेल आउट शॉट आपको एक थ्रिलर मूवी के स्टार्ट होने का एहसास दे देता है। और अगेन काफी इंटरेस्टिंग कैमरा वर्क जहां पर इब्राहिम के पूरे घर और उसके परिवार वालों को दिखाया जाता है। बस ऐसा लगता है कि भाई अपनी तो रोलर कोस्टर जर्नी शुरू, पर आप जैसा सोचते हो वैसा कहां होता है मलयालम मूवीज में। और फिर डायरेक्टर अपनी स्टोरी को धीरे धीरे बेस बनाता है जहां पर शुरुआत हो जाती है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की। और रोशन मैथ्यूज और उसका परिवार जिसमें उसका छोटा भाई है और उसका बाप है हु इज क्वाइट इल एंड ऑल ऑफ देम हैव सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड बेसिस दिस डिफरेंसेस स्टार्ट्स अ टसल बिटवीन द पीपल ऑफ आर एंड योर रिलीजन एंड विच इज क्वाइट सेंसिटिवली हैंडल्ड बाय द डायरेक्टर। टोटल 10-12 कैरेक्टर्स, एक घर, एक जंगल, एक जीप, एक बाइक और उस पर खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक, दो गाने विच हैज इंटरेस्टिंग म्यूजिक, क्योंकि समझ तो मुझे आया नहीं लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। बस बन गई एक मस्त मूवी जो कि आपके 2 घंटे बढ़िया से निकाल देगी और आपको मिलेगा पावरफुल डायलॉग्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज और इन सब के पीछे छुपा एक मैसेज जो कि आपको सोचने पर मजबूर करने की पूरी कोशिश करेगा कि क्या धर्म या रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स जस्टिफाइड है। इस मूवी का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है वो है मूसा खादर जो कि रोशन मैथ्यूज का बाप का रोल प्ले कर रहा है। मतलब खतरनाक सरप्राइज पैकेज। पूरी मूवी में अगेन एंड अगेन वो अपनी आइडियोलॉजीज और डायलॉग्स को कुछ ऐसे पेश करता है जहां वो सब्जेक्ट आपके सामने क्वेश्चन मार्क की तरह नाचने लग जाता है। आई विल नॉट डू द स्पॉयलर, सो आई विल जस्ट टेल यू अ सीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ही आस्क्ड द पीपल अराउंड हिम दैट व्हाट ओल्ड एम्परर डिड और जो सैयों साल पहले हुआ, हम लोगों से क्या फर्क पड़ता है और हम लोगों का क्या वास्ता, हम तो रोज बरसात और बाढ़ से लड़ते हैं और वो है हमारे असली दुश्मन। सिंपली वेरी इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इफ आई टॉक अबाउट स्टोरी एंड स्क्रिप्ट, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट डायरेक्टर मनु वारियर who made a bold attempt by bringing this sensitive subject movies around the festive season, and that's what I like about Malayalam film industry. They dare to differ and never hesitate to bring something new on the platter. The movie has its own flaws, but the pluses are more important, and we are here to talk about that. Prithviraj Sukumaran as an antagonist in the role of Layak is fierce and rock solid. Roshan Matthews again proved his mettle by delivering a role of a God-fearing person. Musa is simply awesome and he is definitely going to shine with memes after this movie. Bold and sensitive subject of religious conflict which has been portrayed beautifully in a small house. Amazing camera work, especially night shots and floor shots. Superb background score. Overall, a beautiful package. The pace is a bit slow at places but I believe it was necessary to justify the sensitivity of the subject. Shayad wo jaruri bhi tha kyunki aise subject par controversy kahin se bhi ud jati hai. मैं तो यही कहूंगा गोली मारो पेस को, इंटरेस्टिंग और अच्छी मूवी है, देख लो, कुछ नया और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आई डोंट वॉन्ट टू रेट दिस मूवी, एज आप देखने के बाद बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड लेट मी नो योर रेटिंग विद अ रीजन इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो सो दैट इट रीचेस टू ऑल मलयाली एंड नॉन मलयाली फिल्म लवर्स, क्योंकि इट्स एवरीवन्स राइट टू वॉच अ गुड सिनेमा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।